एज अ पर द यूजर रिक्वायरमेंट इज रिफर्ड एज फॉर्मेटिंग, यानी कि यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट को चेंज करना, अपने टेक्स्ट का कलर बदलना, ठीक है, इन सब को हम एज ए फॉर्मेटिंग ले सकते हैं। इट ऑल्सो रिफर्स टू मेकिंग चेंजेस इन द लेआउट ऑफ ए डॉक्यूमेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग इट्स स्टाइल ऑफ डिस्प्ले। इसके जरिए हम अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके टेक्स्ट की स्टाइल बदल सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं, बहुत सारे काम हैं इसके अंदर। इट इंक्लूड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग एट्सेट्रा। इसके अंतर्गत हमारी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सब इसके अंतर्गत आती है। अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन डिफरेंट स्टाइल कैन बी अप्लाइड विद डिफरेंट स्टाइल ऑफ फॉन्ट। तो अलग अलग तरह के जो अपीयरेंस होते हैं फॉन्ट के, उनमें हम अलग अलग तरह के स्टाइल्स इसमें रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग की, यानी कि टेक्स्ट को हम कैसे फॉर्मेट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ओपन ऑफिस को स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। यहाँ से हम चुनेंगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद में ये आपके सामने पूरी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की विंडो डिस्प्ले होगी। इस विंडो के अंदर हम फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। तो इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम सीखते हैं टू चेंज फॉन्ट टाइप। सपोज आई एम राइटिंग हियर समथिंग हेलो, मैंने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, इस हेलो को मुझे चेंज करना है, ठीक है। इसकी मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे, और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। कॉपी करने के बाद में नीचे की साइड पेस्ट कर रहा हूँ। सपोज मैं इसके यहाँ से फॉन्ट टाइप बदल देता हूँ, ठीक है। अभी हमारा फॉन्ट टाइप जो आ रहा है वो टाइम न्यू रोमन आ रहा है। आप इसका फॉन्ट टाइप कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप बदल सकते हो। सपोज मैंने इसको ये किया टच ट्यूब टैग MS, इसके बाद मैं इसको LJIDA करता हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ, साइज में आपको अलग से दिखाई देगा कि हम क्या चेंजेस कर रहे हैं। तो ये फॉन्ट है LJN, इसके अलावा मैं LANSANA, इसके अलावा हम यहाँ से फॉन्ट का कोई भी टाइप जो हमें अच्छा लग रहा है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन चेंज द टाइप ऑफ फॉन्ट। सिलेक्ट द डिजायर फॉन्ट फ्रॉम द फॉन्ट लिस्ट इन द कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स। ये हमारे कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स है, यहाँ पे आपको जो भी फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको अप्लाई कर सकते हो। जिसमें आपको टेक्स्ट जो फॉन्ट चेंज करना है आप यहाँ पे अच्छे से अच्छे फॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए कर्सिव फॉन्ट है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको, एरियल यूनिकॉर्ड MS, दिस इज ऑल्सो गुड फॉन्ट यू कैन यूज। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं चेंज द फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत आता है कि हम फॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब जो है स्टाइल्स हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जब भी हमें जरूरत होगी। आपने देखा होगा जब भी कोई बुक में हम टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें जो हेडिंग होती है वो हेडिंग हमको कैसे दिखाई देती है, बोल्ड में शो होती है ना। हेडिंग हमेशा हमें याद रखना बोल्ड में शो होती है, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बुक। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग हियर सम इंट्रोडक्शन, राइटिंग हियर हेडिंग टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। सपोज दिस इज हेडिंग एंड आई वॉन्ट टू राइट समथिंग हियर, मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ, सिलेक्ट द डिजायर्ड टाइप फेस फ्रॉम टाइप फेस लिस्ट, ठीक है। इसमें हमको रेगुलर, अब ये सपोज ये हमारी हेडिंग थी, तो इसको मैं कुछ बोल्ड या डार्क करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और भी बटन दिया हमको यहाँ पर दिया गया, उसको हम यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में डिस्प्ले होने लगेगा। यानी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा इस तरीके से टेक्स्ट लिख जाएगा और उसके ऊपर हमारी हेडिंग भी लिख जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉन्ट को बोल्ड कर सकते हैं। साइज अगर बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पे साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं अलग से दिखाने के लिए फॉन्ट को, जो हेडिंग्स को हमें सेट करना। सपोज यहाँ पे हमें कुछ ऐसा वर्ड मिल रहा है जिसको हम अलग से कुछ दिखाना चाहते हैं, तो हम इस वर्ड को इटैलिक भी कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा तिरछा हमको दिखाई देगा,
इसके अलावा आप किसी वर्ड को अंडरलाइन भी कर सकते हैं. सपोज यू वांट टू मेक दिस हेडिंग अंडरलाइन, देन यू कैन यूज यू ऑप्शन दैट इज यूज टू अंडरलाइन द टेक्स्ट. हियर यू कैन सी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल. तो आप यहाँ पे चार तरह के यहाँ पे हमको अलाइनमेंट भी दिए गए हैं. यहाँ पे मैं एक सैंपल टेक्स्ट लेके देखता हूँ, शायद वो मेरा काम कर जाता है. तो देखते हैं इक्वल फंक्शन में लगा के देखा, इससे कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे. लेकिन एम एस वर्ड के अंदर आर एन डी फंक्शन से हम टेक्स्ट लिख सकते हैं. तो मैं सैंपल टेक्स्ट आर एन डी के अंदर आपको लेके दिखाता हूँ. तो वहाँ से हम सैंपल टेक्स्ट ले लेंगे जिसमें हम कई सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे. तो आर एन डी लिखा, ये हमारे पास में सैंपल टेक्स्ट आ गया. इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम यहाँ पे इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं. ये देखिए हमने कई सारे टेक्स्ट है हमारा, उसको हमने यहाँ पे आराम से इंसर्ट कर दिया है. इसके अलावा अब हम इसमें कई सारी फॉर्मेटिंग्स को अप्लाई करने वाले हैं. तो यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं कि जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, यहाँ से यहाँ पे कप हुआ एक पैराग्राफ है. इन पैराग्राफ में यहाँ पे तो लाइनें हमारी इक्वल लेंथ की आ रही हैं, कोई लाइन आगे पीछे नहीं हो रही. लेकिन यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे हमारी जो लाइन्स हैं वो आप देख रहे हैं कुछ लाइन छोटी, कुछ उससे बड़ी, कुछ उससे छोटी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है. तो अगर हमें इफ़ यू वांट टू मेक दीज लाइन्स एज इक्वल लेंथ देन वी कैन यूज जस्टिफाई फॉर्मेटिंग. ठीक है, सपोज इसको मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे लास्ट वाले फॉर्मेटिंग दैट इज जस्टिफाई फॉर्मेटिंग यू कैन यूज टू मेक द लाइन्स इन इक्वल लेंथ. सपोज दिस इज द वर्क ऑफ जस्टिफाई एंड दिस इज द वर्क ऑफ सेंट लेफ्ट लाइन इज बाई डिफॉल्ट वी हैव अ लेफ्ट लाइन एंड वी वांट टू मूव दिस हेडिंग टू द राइट हैंड राइट साइड देन वी कैन यूज राइट अलाइनमेंट एंड इफ यू वांट टू मूव दिस हेडिंग टू द सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट देन वी कैन यूज द सेंटर अलाइनमेंट एंड दिस इज लेफ्ट. नाउ आई एम ऑल्सो वांट टू अलाइन दिस सेकेंड पैराग्राफ एज एन जस्टिफाई देन वी कैन यूज. फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट द पैराग्राफ then we can use this. We can also use the paragraph, we can also justify all the paragraphs in a single click. So you have to first select the paragraph, then you apply the justify formatting. This is the simple way by which you can make your document attractive. Okay, so this is the next formatting option. Now I want to change the color of my text. So we can also do this in our word processing in this OpenOffice Writer. So you will go to this font color. Here you can see many different types of font color. You can use any one of them according to your choice. आप यहाँ पे किसी भी font को select कर सकते हो जो आप चाहते हो. इसके अलावा आप यहाँ पे background color भी set कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको कोई background color भी set करना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो. इसका जैसे अभी तो यहाँ पे हमारा फिल कलर आ रहा है, अभी मैं चाहूँ तो उसमें से बैकग्राउंड कलर भी इसका दे सकता हूँ टेक्स्ट. तो इस तरीके से हम अपने फॉन्ट कलर और बैकग्राउंड कलर दोनों ही हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं. वो आप चाहे तो जैसे मैं इसको येलो कलर से देता हूँ तो आपको और अच्छा लगेगा. ठीक है, तो अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अंडरलाइन द फॉन्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था. इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फॉर्मेटिंग पेंट ब्रश बटन टू स्टैंडर्ड टूल बार चेंजिंग केस. अब हम चेंज केस की बात करते हैं, केस चेंज करना. जैसे सपोज अभी हमने जो लिखा हुआ है उसमें हमारा सेंटेंस केस है, इसको आप बदल कर कैपिटल में या स्मॉल में या फिर किसी भी केस में आप कन्वर्ट कर सकते हो. किसी भी केस में आप इसको बदल सकते हो. सो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स ऑप्शन टू इंटरचेंज द केस ऑफ अल्फाबेट. अल्फाबेट की जो केस है जैसे कैपिटल करना, स्मॉल करना, टॉगल केस करना, कैपिटलाइज ईच सेंटेंस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसे ऑप्शन हमको एम एस वर्ड में मिलते हैं, वैसे ही ऑप्शन हमको इसमें भी मिलेंगे. तो उसके लिए हमें दिस सबसे पहले हम बात करते हैं टॉगल केस की. सो दिस ऑप्शन हम चेंजेस करते कैसे हैं, तो हमें फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाना है. यहाँ पर हमको ऑप्शन मिलता है चेंज केस का. सबसे पहले हमने आ रहा है सेंटेंस केस. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी लाइन का वो कैपिटल में लिख के आएगा. तो आप इसको जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किया हुआ है टू का, ये जो टी है
ये हमारा कैपिटल हो गया है और बाकी सारा चीज़ें स्मॉल हो गई। सपोज आपने इस टैक्स को सिलेक्ट किया अगेन और आपने दोबारा से यहाँ से गए चेंज केस पे क्लिक करेंगे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये देखिए पूरे के पूरे कैरेक्टर्स हमारे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन आता है चेंज केस में अपर केस में, इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस टैक्स इन अपर केस दैन यू कैन यूज द अपर केस ऑप्शन। वी कैन ऑल्सो यूज एक और ऑप्शन है हमारे पास में जिसमें हम ईच वर्ड कैपिटलाइज ईच वर्ड लिखा हुआ उसमें हम ये कर सकते हो, हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर होगा पहला जो लेटर होगा वो हमारा कैपिटल में आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पे टॉगल केस का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्मॉल में दिख रहा है वो कैपिटल हो जाएगा और जो कैपिटल में दिख रहा है वो हमारा अब स्मॉल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ टॉगल केस। देखिए हमारा टी कैपिटल था वो स्मॉल हो गया और जो जो कैपिटल थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए, ये हमारा होता है टॉगल केस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग की, तो अलाइनमेंट मैंने आपको बताई दिए हैं, चार तरह के अलाइनमेंट हैं हमारे पास में। सबसे पहला है लेफ्ट अलाइनमेंट, इट अलाइंस द टेक्स्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये जो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है ये हमारा टेक्स्ट को लेफ्ट में अलाइन करता है। इसके अलावा ये हमारा जो सेकेंड अलाइनमेंट है ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये हमारे टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करता है। ये वाला जो अलाइनमेंट है राइट अलाइनमेंट लिखा हुआ है इस पर, ये हमारा राइट में टेक्स्ट को अलाइन करेगा। ये हमारा जस्टिफाई है, मैंने ये बताया था इक्वल लेंथ में लाइंस को करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेंटेशन। इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन अवेलेबल इन अवर वर्ड फॉर वर्ड MS Word processing tools. So I am showing the use of indentation in your MS Office Writer, Open Office Writer. तो इंडेंटेशन क्या होता है एक्चुअल में कि हमारा जो बाई डिफॉल्ट जो पेज होता है उस पेज में वो फर साइड में और लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में और बॉटम में कुछ स्पेस छूटा होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं margins. इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि अभी जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, तो ये टाइप किया मैंने कुछ भी, ठीक है, तो ये हमारा शुरू से हो रहा है, यहाँ से जो इंडिकेशन आपको डॉट 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 बन के दिख रहे हैं यहाँ से हमारा लिख रहा है लास्ट के डॉट तक, ठीक है। लेकिन सपोज मैं कोई लेटर लिखता हूँ, आपने देखा होगा प्रॉपर इंडेंटेशन की जरूरत हमको लेटर्स वगैरह पढ़ती है। अब सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं राइट में यहाँ से 5 से लेकर 7 तक में मैं टू द प्रिंसिपल लिखूँ और फिर अपना लेटर यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे गया और इसमें टैप कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा सपोज, इसके बाद मैंने टू लिखा कॉमा लगाया और जैसे मैंने नई लाइन पे एंटर प्रेस किया तो मैं फिर से यहाँ पे शुरुआत में आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा अब मुझे फिर से यहाँ पे आना तो मुझे टैप कर करके धीरे धीरे करके आना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कई सारे बार मुझे ना कई सारे स्पेस मेरे फालतू हो जाते हैं जो जिनको रिमूव करना बहुत बड़ी हेडेक हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडेंटेशन क्या है कि आपको यहाँ पे इंडेंटेशन इज द स्पेस और गैप फ्रॉम द एजेस मार्जिन ऑफ द पेज, द मार्जिन सेटिंग इज अप्लाइड टू होल डॉक्यूमेंट और टेक्स्ट एरिया बट इंडेंटेशन सेट द स्पेस ऑफ पैराग्राफ फ्रॉम मार्जिन विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ टेक्स्ट दैट इज बिलो और अबव इट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन आर बिफोर टेक्स्ट आफ्टर टेक्स्ट फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन दीज आर द सम इंडेंटेशन हियर। तो हमें इंडेंटेशन के लिए करना क्या होगा कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आप चाहो तो ये यहाँ पे जो हमको ये लॉक दिए गए हैं आप इनको भी खींच के इंडेंटेशन लगा सकते हो, ये देखिए आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, यहाँ तक आपको लिखना था, तो अब आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ से यहाँ तक ही लिख पाओगे, उसके पीछे का भी लिख पाओगे। तो मैं यहाँ से टू जैसे मैंने एंटर किया तो द आ गया टू फिर कॉमा द प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में नील वर्ल्ड स्कूल ऑफ मुरैना मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मुझे सपोज राइट में दोबारा से आना है तो मैं यहाँ से लॉक को ऐसे खींच के और जहाँ तक मुझे चाहिए था वहाँ तक मैं इसको लेके आ सकता हूँ, ठीक है। ये हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अब सपोज यहाँ पे हम इंडेंटेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से पैराग्राफ टैग के अंदर से भी इंडेंटेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि उसके लिए आपको
इंडेंटेशन में जाना है तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू में यहाँ पे आपको पैराग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे इंडेंटेशन एंड स्पेस दिया गया है, बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, यहाँ पर कई सारे इंडेंटेशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हमको अलाइनमेंट है, टेक्स्ट फ्लो है, आउटलाइन नंबरिंग है, टैब्स है, ड्रॉप केस है, बॉर्डर्स है, हमको कई सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बिफोर टेक्स्ट, आप टेक्स्ट के पहले, स्पेसिंग, अबव पेज आपको कितनी रखनी है, बिलो पेज कितनी रखनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है, वो सब आप चीज़ें यहाँ पे एंटर कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे ये टैब जैसे जैसे आप बढ़ाते चले गए तो इंडेंटेशन बढ़ता जा रहा है, वो मैंने अभी लॉक करके किया था, वो भी एक तरीका है। और यहाँ से भी आप अपने बिफोर टेक्स्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे सेट किया बिफोर टेक्स्ट, इसके बाद आप ओके करेंगे, भाई देखिए आपका इंडेंटेशन यहाँ पे आके सेट हो गया। तो आपकी जो कुछ भी आप राइटिंग कर रहे हैं वो सब यहाँ से आता कि आपकी राइटिंग हो गई ना। फिर आपको अगर नई लाइन से आना है फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आप इंडेंटेशन में जाना है और फिर से यहाँ पे आपको फॉर्मेट के अंदर, पैराग्राफ के अंदर आपको इंडेंटेशन मिलेगा, आपको उसको फिर से जीरो करना पड़ेगा अगर आप इसको दोबारा से लेके आना चाहते हैं। फिर से आप इसको जीरो करेंगे, फिर आपका टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल हो पाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ इंडेंटेशन दैट इज वेरी मच यूज इन लेटर राइटिंग और समथिंग एल्स। मैं आपको मैं ओपन कर देता हूँ, ये देखिए अब हमारा टेक्स्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इसलिए हम इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं, कुछ टेक्स्ट को हमें राइट में लिखना है, कुछ को लेफ्ट में लिखना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कुछ नहीं, ये जैसे मैंने एक लाइन लिखी है, सपोज हेलो दिस इज अरविंद शर्मा, ये मेरी एक लाइन है, ये एक सेकेंड लाइन है, और ये थर्ड लाइन है। अब सपोज मुझे इन लाइनों के बीच में स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। तो गो टू द लाइन स्पेसिंग वी हैव टू गो टू द पैराग्राफ टैग एंड वी विल गो टू द स्पेसिंग अबव द पैराग्राफ एंड बिलो द पैराग्राफ। यहाँ पे हमको देखो लाइन स्पेसिंग ऑप्शन मिला, सिंगल लाइन, 1.5, डबल, जैसे भी आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उन लाइनों के बीच में हमारा स्पेस आ जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ लाइन स्पेसिंग, वी कैन यूज, वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ लाइन स्पेसिंग लाइक सिंगल लाइन, इट प्रोवाइड्स अ सिंगल लाइन स्पेसिंग अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ साइज ऑफ द फॉन्ट, इट इज द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग दैट एग्जिस्ट इन द नॉर्मल डॉक्यूमेंट। सिंगल लाइन की स्पेसिंग जो होती है वो तो हमको डिफॉल्ट में मिलती है, अगर हम नहीं भी करेंगे तो वो डिफॉल्ट रहेगी। नेक्स्ट हमारी 1.5 लाइन की स्पेसिंग है, डेढ़ लाइन की स्पेसिंग है, उसके बाद में हमारी डबल लाइन की स्पेसिंग भी हम यूज कर सकते हैं। एटलीस्ट लिखा हुआ है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन द लाइन्स, हमको कितना चाहिए वो भी हम वहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमें वहाँ पे लाइन स्पेसिंग के कई सारे ऑप्शन हैं, आप उनको जैसे जैसे यूज करोगे वैसे वैसे आप वहाँ पे सीखते जाओगे। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ पेज। सपोज यहाँ ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ये हमारा जो पेज है वो हाइट वाइज है या विड्थ वाइज है। अभी देखो हमारा जो पेज है, मैंने इसको जूम आउट किया है तो ये हमको पेज हाइट वाइज दिख रहा है, इसकी हाइट ज़्यादा है और विड्थ कम। अगर इसको आप चाहें तो इसको आप पेज ओरिएंटेशन को चेंज करके आप विड्थ वाइज भी कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मेट में जाना है, एंड यू हैव टू गो टू द पेज, देन यू विल सेलेक्ट द पेज में आप जाना, यहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शन मिलेंगे। आपको पोर्ट्रेट करना है पोर्ट्रेट कर लीजिए, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप कर लीजिए, पेपर का साइज जो आपका प्रिंटर सपोर्ट करता हो वो पेपर का साइज आपको लेना है, क्योंकि अगर आपने एक बार पेपर का साइज मान लीजिए लेटर ले लिया फिर आपने उसमें डॉक्यूमेंट लिख दिया और डॉक्यूमेंट लिखने के बाद में फिर अगर आप उसके पेपर के साइज को चेंज करने बैठेंगे तो उसमें फिर आपका पूरा जो टेक्स्ट है वो मिसमैच हो जाएगा, आपको शुरुआत से फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो प्रिंटर जिस टाइप के पेज को सपोर्ट करता है वही पेपर का साइज आपको लेना है यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे जैसे आप पेज सेलेक्ट करते हो उसकी लंबाई चौड़ाई अपने आप से यहाँ पे चेंज हो जाती है। जैसे अभी मैंने A4 किया तो देखो ये चेंज हो गया, 11.69 एंड 8.27 इंचेस का हमारा पेज रहेगा, ठीक है। ये मार्जिन आप सेट कर सकते हो, कितने आपको मार्जिन रखने हैं। मार्जिन मैंने बताया था कि जो पेज है उसके अप में, डाउन में, राइट में और बॉटम में, सॉरी लेफ्ट में जो स्पेस रहता है ब्लैंक स्पेस उसको हम मार्जिन बोलते हैं। इसको आप जितना भी सेट करना चाहो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप पेज का बैकग्राउंड भी बदल सकते हो, कलर बदलना है कलर बदल सकते हो,
हेडर फुटर लगाना है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे इस डायलॉग बॉक्स, पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे। तो आप उन ऑप्शंस का यूज़ करके कई सारे काम इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैंने अभी पेज का कलर बदला है, इसको ओके करेंगे, जैसे ही अप्लाई करेंगे हमारे पेज का कलर बदल जाएगा और ये देखिए आपका टेक्स्ट हमारा इस तरीके से आ गया। इसको मैंने जूम आउट कर जूम इन करता हूँ तो हमारा पेज जैसा था वैसा हमारा पेज अभी डिस्प्ले होने लगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट मार्जिन, मैंने बताया था मार्जिन इज द गैप बिटवीन द एजेस एंड बिगिनिंग ऑफ टेक्स्ट। ये हमारा जो ये यहाँ से बिगिनिंग कर रहे हैं टेक्स्ट की, तो वो और यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन हम सेट करते हैं, जैसे ये देखिए आप जितना चाहें उतना इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट अभी हम यहाँ से लिख पा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए हमारा टेक्स्ट अभी राइट साइड है क्योंकि वो जो इंडेंटेशन का ऑप्शन था वो हमारा पूरा गायब हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंडेंटेशन दोबारा सेट करना है तो फिर से पेज में जाना है, पेज में सॉरी आप इसमें पैराग्राफ के अंदर जाना है, पैराग्राफ के अंदर हमको इंडेंटेशन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाके इसको आप माइनस में हो गया है उसको आप फिर से इंडेंटेशन कर सकते हो। फर्स्ट लाइन माइनस में हो गई है गलती से, उसको आप यहाँ से फिर से जीरो कर दीजिए, आपकी फर्स्ट लाइन बिल्कुल सही हो जाएगी। पेज चला गया हमारा टैक्स, उसको आप यहाँ से जीरो करेंगे तो आपका बिल्कुल सही अभी आएगा। इसको ओके करेंगे, देखिए हमारा टेक्स्ट आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को बिल्कुल सही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्जिन्स। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हाइलाइटिंग कलर्स, हाइलाइटर कलर, हाइलाइटर का भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट के अंदर मुझे ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी तो मैं यहाँ से कलर हाइलाइटर ले सकता हूँ और जो जो लाइन मुझे हाईलाइट करनी है जिससे दूसरा टेक्स्ट है उसको जैसे हम बुक में मार्क करते हैं वैसे हम यहाँ पे अपने टेक्स्ट में भी मार्क कर सकते हैं विद द यूज ऑफ विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। दिस इज अवर हाइलाइटर, वी कैन चेंज द हाइलाइटर कलर अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और जो हाइलाइटर आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर, मैंने आपको भी बताया था पेज का, पेज के चारों तरफ अगर आपको बॉर्डर लगाना है तो आप पेज के चारों तरफ बॉर्डर भी लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेज डायलॉग बॉक्स। यू गो टू द बॉर्डर ऑप्शन, यू हियर यू विल सेलेक्ट एनी बॉर्डर विच यू लाइक, हियर यू कैन गिव द कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एंड यू कैन ऑल्सो सेट द वेट। आपको जो भी वेट आपको लेनी है वो वेट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे इसको ओके करेंगे, जैसे आप इसको ओके करेंगे तो पेज का जो बॉर्डर है वो हमारा पूरा चारों तरफ हमारे पेज की हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट लिखा है, यूजर डिफाइंड लिखा है, ये कई तरह के हमको बॉर्डर है। ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें चार सारे बॉर्डर चाहिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपने जो कलर लिया है वो आपका डिफाइन हो जाएगा, ओके करेंगे चारों तरफ हमारा बॉर्डर आ जाएगा। इसका भी मैंने मोटाई थोड़ी कम रखी थी, आप चाहें तो उसकी मोटाई को बढ़ा भी सकते हैं। आपको दोबारा से पेज के अंदर जाना होगा, बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से जो भी लेंथ जो भी चौड़ाई इसकी लेनी है डबल बॉर्डर लेना है डबल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे हमारे चारों तरफ पेज के चारों तरफ ये बॉर्डर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अपने पेज में कोई भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो जो आप चाह, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंपल वे टू अप्लाई द बॉर्डर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग की, उसके बाद हेडर फुटर की बात करेंगे, इंसर्टिंग पिक्चर, इंसर्टिंग सेव, ये कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो मैं आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद में हम बुलेट्स एंड नंबरिंग और भी जो फॉर्मेटिंग के हमारे पास में ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन को मैं आपको बताऊँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ उसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। प्रैक्टिकल जितना ज़्यादा आप करेंगे वो सब आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ठीक है, हम लोग अभी स्टॉप करते हैं।